हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है GRC। और दोस्त, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलेज क्लब्स के बारे में। स्पेसिफिकली बात करेंगे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, क्योंकि ये वीडियो, ये सारी सीरीज़ फर्स्ट ईयर के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है। आज का वीडियो तो स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर के लिए ही है कि अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो तो आपको क्लब ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FAQs में से आते हैं, टॉप FAQs होते हैं ये स्टूडेंट्स के। तो इसके बारे में मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ। हो सकता है ये ओपिनियन बिल्कुल गलत हो, लेकिन हाँ, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, तो मैंने अभी तक जो देखा है वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो ये सारे कॉन्टेंट्स के लिए प्रिपरेशन नहीं रहती यार मेरी कुछ भी। कैमरे के सामने आने से पहले मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं करता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या है। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने कॉलेज के एग्जाम्पल लूँगा, BIT दुर्ग का। आप कोई भी कॉलेज के एग्जाम्पल ले सकते हो। आपके कॉलेज में, हमारा क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो बहुत सारे क्लब्स नहीं हैं। अगर आप NITs में हो, IITs में हो, तो इमेंस क्लब है, बहुत सारे। वो भी उनकी आउटरीच कितनी है, जो कि हमारे कॉलेज के क्लब्स की बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी इतना है कि स्टूडेंट्स कैपिटलाइज नहीं करते। तो अपनी जर्नी बताते हुए मैं बात करता हूँ। जैसे हमारे कॉलेज का मैं एग्जाम्पल लूँ, मैं जो क्लब्स के बारे में मैं फेवर में बोल पाऊँगा मैं उन्हीं का नाम लूँगा। जो क्लब्स का मैं नेगेटिव पॉइंट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। इसके पीछे रीज़न ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लॉस होगा, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। बात यह है कि जो क्लब्स का एडवांटेज मैंने देखा है, मीन्स दे आर डूइंग एक्चुअली समथिंग, तो उनको ऊपर लाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि आई एम स्टैंडिंग समवेयर। बट जो क्लब्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो मुझे बाहर से दिख रहे हैं ना, अंदर से उस क्लब के अंदर कितनी मेहनत हो रही है, बस डायरेक्शन उनका सही नहीं जा रहा है, तो उनका नाम लेना सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ हमारे कॉलेज का सबसे बेस्ट क्लब, जो मुझे लगता है वो है आपका एस्ट्रो क्लब। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कॉलेज है जहाँ पर एक एस्ट्रोनॉमी को डेडिकेटेड किया गया है ये कॉलेज। बहुत बढ़िया क्लब है और यहाँ पर रिगार्डिंग एवरीथिंग एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, हमारे पास खुद का टेलीस्कोप है जो कि वर्थ मोर देन लाख रुपीज़ है। और मैं बस बता रहा हूँ आपको कि रिगार्डिंग एवरीथिंग एस्ट्रोनॉमी आपको यहाँ पर बताया जाता है, और ये काफ़ी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है। आप कैसे रिलेट करोगे, मैं ये आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल देखे, हमारे कॉलेज में कुछ ऐसे भी क्लब्स है, आपके कॉलेज में भी कुछ ऐसे भी क्लब्स होंगे जहाँ पर स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे मैं वीडियोग्राफी क्लब्स के बारे में बात करूँ, अगर आपके कॉलेज में कोई भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी क्लब है, वहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कॉलेज का जो क्लब है वो रजिस्ट्रेशन फीस आपसे कितना ले रहा है। जब आप फर्स्ट ईयर में उस क्लब के लिए रजिस्टर करते हो, तो क्या वो रजिस्ट्रेशन फीस हर साल रिन्यूअल होने वाली है, मींस हर साल आपको दोबारा देना पड़ेगा, या फिर वो एक कांस्टेंट रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर ऐसा कोई क्लब है जो आप कॉलेज में और आप देख रहे हो एक्टिव है, लेकिन ज़रूरी नहीं आप फर्स्ट ईयर में हो तो वाकई में आपको दिख रहा है ना एक्टिव, आप फर्स्ट ईयर में आपको पता क्या है यार, कुछ भी नहीं पता आपको, तो सीनियर्स के साथ कांटेक्ट करने नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, एक्चुअल में आप जितना मनी इनपुट कर रहे हो उतना आपको देखना है, क्योंकि कोई कोई क्लब्स में क्या होता है कि थोड़ी हाई मात्रा में अमाउंट देनी पड़ती है, अराउंड 300, 400, 500 हर ईयर। खैर हमारे कॉलेज में तो ऐसा कोई क्लब नहीं है, बट हाँ देना पड़ता है, क्योंकि इनके जैसे फोटोग्राफी क्लब है तो वहाँ पे उनके इंस्ट्रूमेंट उन सबका चार्ज देना पड़ता है आपको। तो क्या आपको वहाँ पर कोई प्रोफेशनल मिलेगा सिखाने के लिए, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको बात करूँ वीडियोग्राफी क्लब की, यहाँ पर क्या होता है कि मैंने देखा है स्टूडेंट्स डे इन एंड डे आउट हर समय वीडियो एडिट करते रहते हैं, अपने कॉलेज फेस्ट की या कुछ इसकी बहुत ज़्यादा दिन रात लगे रहते हैं, क्लास छोड़ते हैं, सेमिस्टर एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि मेंटेलिटी कॉलेज जाने की नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे। प्राइवेट कॉलेज की बात अच्छी यही है ना कि वहाँ पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पढ़ाया जाता है उनको, टीचर्स पढ़ाते हैं, बाकी प्लेसमेंट की बात मैं नहीं करूँगा, उतने अच्छे बिल्कुल नहीं है, लेकिन पढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट के कंपेयर में प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट स्टिल ठीक है। तो वहाँ पर वैसे स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं उन क्लब्स में, जैसे वीडियोग्राफी क्लब हो या फिर बाहर बार बार जहाँ क्लब्स में जाना हो, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग कोई क्लब है तो आपको बार बार प्रमोशन करने जाना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, दिन रात टीम बनानी पड़ेगी, डाउनलाइन बनानी पड़ेगी, तो वहाँ पर रिटर्न उतना आपको नहीं मिलेगा। देखो कॉलेज जब आए हो, सबसे पहले आपका मैटर करता है मार्कशीट में मार्क्स जो रिफ्लेक्ट करता है, उसके बाद ये सारी कहानी होती है। अगर आप और आपका कोई कंपेटिटर इंटरव्यू में बैठा है, सबसे पहले दोनों के चेक होंगे मार्क्स। अगर किसी का ज़्यादा मार्क्स है, बहुत ज़्यादा है, और आपका एवरेज है, तो बिल्कुल ज़्यादा मार्क्स वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा,
उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप में क्या स्किल सेट है, आपने क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद चेंजेस हो सकते हैं और चेंजेस होते हैं। लेकिन आप जैसे मान लो कि आप कोई टेक्निकल कंपनी के लिए बैठने गए हो, तो आप सर्टिफिकेट्स भी वही दिखाओ जैसे वर्कशॉप, जैसे आपने कोई आईआईटी में जाके वर्कशॉप किया होगा या कोई प्लांट विजिट किया होगा, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, कोई भी प्लांट, उनके सर्टिफिकेट्स दिखाओ, वहाँ पर मैंने टीम गाइड किया था, वहाँ पर मैंने ये आइडिया पिच किया था जिस पे काम चल रहा है उस प्लांट में। ऐसा अगर आपने किया है तो देन एक्सीलेंट, वहाँ पर वो मार्क्स जो आपके कम है वो मैनेज हो जाएंगे। अदरवाइज जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसको ही प्रेफरेंस मिलता है, फर्स्ट प्रेफरेंस, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब मेरा साफ साफ कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यूअर अगर बाद में पूछना चाह रहा है, अगर इंटरव्यूअर को जल्दी नहीं है, उसको एक ले मैन नहीं चाहिए, उसको अगर एक चुपचाप काम करने वाला आदमी नहीं चाहिए, अगर उसको एक क्रिएटिव बंदा चाहिए, तब वो जाके और चीज़ों के बारे में आपसे पूछेगा। और ये बहुत कम होता है कि इंटरव्यूअर आपसे वही पूछता है जो आपके इंटरेस्ट का हो। अगर ये हो जाए ना तो मीन्स आपको भगवान मिल गया ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनको बहुत जल्दी रहती है तो बहुत ज़्यादा इनडेप्थ नहीं जाएंगे, आपको 1 या 2 मिनट के अंदर ही खुद को सेल करना पड़ता है। तो पहली प्रायोरिटी आपको मार्क्स रखनी है, मार्क्स इन द सेंस नॉलेज, किसकी नॉलेज, टेक्निकल फील्ड की नॉलेज, अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हो तो, और ऑब्वियस सी बात है वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज काम आएंगी। तो क्लब्स, क्लब से रिलेट करके मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्लब्स में जैसे वीडियोग्राफी क्लब हो, यहाँ पर क्रेडिट्स उतना नहीं मिलता स्टूडेंट्स को, तो मीन्स एक सर्टिफिकेट मिलेगा 4 साल के बाद, एक सर्टिफिकेट, और इतना समय एनर्जी अपना सेमिस्टर खराब की, कॉलेज लाइफ में पढ़े नहीं, उसका क्या करोगे, ये ध्यान रखो। दूसरे क्लब्स में क्या होता है, पोस्ट की मैं बात करता हूँ, कोई के क्लब में क्या होता है, आपसे काम बहुत कराया जाता है लेकिन आपको पोस्ट अच्छा नहीं मिलता। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट में बताओ, हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा कुछ है, तो देखते हैं कितने लोग आते हैं इसमें, उस बात कुछ करते हैं अपन। तो उनको क्रेडिट नहीं मिलता उतना, तो ये सही है कि नहीं? देखो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो स्पेसिफिकली, तो क्रेडिट का मत सोचो, काम सीखने का सोचो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में काम सीखने का सोचो, क्योंकि आप जूनियर हो, सीखो अच्छे से, नई नई चीज़ें अपने सीनियर से सीखो, हम्बल रहो। लेकिन थर्ड ईयर पे आ गए तो अगर आपको कोई कॉलेज सर्टिफिकेट दे रहा है तो आपके रिज्यूमे में लगाने के काम बिल्कुल आ सकता है, डिपेंडिंग आप कौन से कंपनी के लिए बैठ रहे हो, बिल्कुल काम आता है वो, कोई भी सर्टिफिकेट वेस्ट नहीं जाता है। एनपीटीएल का सर्टिफिकेट भी बहुत वैल्यूएबल है, और दूसरे नज़रिए से एनपीटीएल का सर्टिफिकेट बकवास है, सबका अपनी डिमांड है, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर है ज़रूरत। तो वहाँ ध्यान दो कि अगर आपको अच्छे पोस्ट मिल रहे हैं तभी आप क्लब्स में इन्वेस्ट करो फाइनली थर्ड ईयर में, नहीं तो बिल्कुल मत करो, फर्स्ट ईयर में बिल्कुल कर सकते हो। इन जनरल मैं अगर समराइज करूँ तो कॉलेज क्लब्स में तभी लो जब आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो। मान लो आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है, आप भी कंटेंट राइटिंग करते हो, आप भी कोई एनजीओ के लिए काम करते हो, आप भी फोटोग्राफी करते हो पर्सनली, आपने इंस्टाग्राम पे डालते हो, उसको सेल करते हो, बहुत सारी साइट्स हैं यहाँ पर, फोटो स्टॉक है और पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, पिक्सा भी है, पिक्सल्स, अगर आप सब में सेल करते हो पर्सनली करते हो, वो मच बेटर है क्लब ज्वाइनिंग से, ठीक है, वहाँ पर लोगों के साथ इंट्रैक्शन होगा, क्लब्स में आपको सीखने को मिलेंगे, लेकिन सीखने से ज़्यादा बकवास होता है, सब कॉलेजेस में नहीं होता लेकिन कुछ कॉलेज के क्लब्स में सिर्फ टाइम पास होता है। अगर मैं यहाँ पर वही मैंने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मेरे यहाँ पर एक भैया है, मैं उनका एग्जाम्पल लेता हूँ, वो MBA करने गए हैं एक प्राइवेट कॉलेज से, जो बहुत नामी अच्छा कॉलेज नहीं है, मार्केटिंग क्लब है उनका, और वहाँ पर सिर्फ टाइम पास होता है, और टाइम पास रिजल्ट आता है। ऑब्वियस बात है मैं रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ, लेकिन आप जो काम कर रहे हो वो काम में तपस्या दिखनी चाहिए, तेज दिखनी चाहिए, तो सिर्फ डिस्कशन ही होते हैं, मार्केटिंग या कुछ ऐसा काम नहीं होता, बस आप अपने आवर्स वेस्ट कर रहे हो कॉलेज में, क्लब्स में, तो वो सब मत करो। आपको एक अच्छा मार्कशीट बना के चलना है, एक सेल्फ इनबिल्ट पर्सनैलिटी और सेल्फ इनबिल्ट एक रेज्यूमे डेवलप करना है, तो आप खुद कुछ करो सेपरेटली, और क्लब्स में उतना ही इन्वेस्ट करो जितना ज़रूरत है, अलग से जाके बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको ज़रूरत नहीं है देने के लिए, अनटिल अनलेस अगर आप जैसे डांस करते हुए आए हो बचपन से, बहुत सारे अचीवमेंट है, किया है आपने कुछ, स्टिल अचीवमेंट की बात नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है, देन आप डांस के क्लब में जा सकते हो कॉलेज का, तब आपके लिए फ्रूटफुल है। और अगर कुछ सीखना हो तो बेसिक लेवल पे सीख सकते हो, उसके बाद आप छोड़ सकते हो अगर आपको हायर लेवल के सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि वैल्यू है सभी चीज़ों की। ओवरऑल नटशेल में यही बोलूंगा कि अगर कॉलेज क्लब ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो ध्यान से सोचो, पढ़ाई काफ़ी हैम्पर होती है, काफ़ी डिस्टर्ब होती है, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि मत ज्वाइन करना। आप बोलोगे ये मैं कैसे कह रहा हूँ, एक जनरल ओपिनियन है, जैसे मैं खुद कॉलेज क्लब्स में कितना इन्वॉल्व था, सब में नहीं था, जो मेरे रिगार्डिंग था, अगर मुझे बोलना अच्छा लगता है तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग, या फिर हमारा टेक्निकल क्लब है वहाँ पर मैं था, जहाँ मैं अपने टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल करके प्रैक्टिकली कर पा रहा हूँ। कल्चरल क्लब में यस मुझे कल्चरल चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट नॉट इन कॉलेज, मैंने नहीं किया वो।
आप सेपरेटली कर सकते हो यूट्यूब चैनल बना के, वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि कॉलेज क्लब्स में बहुत लाइफ और बहुत टाइम सब कुछ वेस्ट होता है, तो वो सब आपको ध्यान देना है। और कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना नीचे कमेंट में। बस दोस्त, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अपना ध्यान रखना, मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो